औद्योगिक क्षेत्र बद्दी चक्का मार्ग पर पिछले एक महीने से सीवरेज का गंदा पानी फुहारे की तरह बह रहा है। वह बड़ी हैरानी की बात है कि बार बार शिकायत करने पर भी आईपीएच विभाग यहां सीवरेज को ठीक नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों ने अब इसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री व आईपीएच विभाग को भेजी है। जैसे ही बद्दी साई मार्ग से चक्का मार्ग में दाखिल होते हैं तो लोगों का स्वागत सीवरेज के गंदे पानी से होता है। वो ये गंदगी बिग बाजार से लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक फैली हुई है। आलम यह है कि यहाँ पूरी सड़क पर सीवरेज की गंदगी का पानी बह रहा है व राहगीरों को यहाँ से मुँह पर रुमाल रख कर निकलना पड़ता है। लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री व स्थानीय विभागों को भी की है, परंतु अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। ऐसा मैं संजीव कौशल, हाउसिंग बोर्ड फेस 1-2। हमारे जो फेस 1-2 में सफाई की जो व्यवस्था है पूरी तरह चरमरा गई है। वहां पे जगह जगह सीवरेज लीक हो रहा है। चक्का रोड पे सीवरेज लीक हो रहा है। जैसे बिग बाजार को एंट्री करते जहाँ हजारों लोग आते हैं, बस 24 घंटे पानी बहता रहता है गंदा। लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल है। अगर उसे गाड़ी वाला आता है तो उनके ऊपर छींटे पड़ते हैं, जिससे कि लोगों को बड़ा असुविधा होती है। और इसलिए जो बद्दी हाउसिंग बोर्ड के एंट्रेंस पे वहाँ भी लीकेज है। और पिछले दिनों नालागढ़ में डेंगू के 4 मामले आए हैं और हमने नगर परिषद के जो अधिकारी है उनको भी बोला है। सर, ये मामला जो है मेरे संज्ञान में आया हुआ है और आज वहाँ हमारे लेबर की जो काम कर रही है उसको हम जल्दी रेक्टिफाई करवा देंगे। उसमें क्या है कि हमारे 9 चैम्बर जो है बिल्कुल वो जो MC वगैरह ने टाइल्स वगैरह लगा रखी है उसके नीचे दबे हुए हैं, तो उनको ढूंढने में हमारे को दिक्कत हो रही है। हमने 2 बार पहले भी इसको ढूंढवाया था तो 6 चैम्बर तो हमारे क्लियर हो गए थे, तो लेकिन 7वां और 8वां जो चैम्बर है वो मिल नहीं पाया था हमारे को, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आज भी हमारे आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे ही वो रेक्टिफाई होगा विदिन 2 or 3 डेज हम इसको ठीक करवा देंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।